कुरुक्षेत्र में आज की बहस जारी है। असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि देश के अंदर अगर मुस्लिम युवा यूथ अगर रेडिकलाइज हो गया तो क्या हालात होंगे, ये देश की सरकार को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पैनल में उल्टा आरोप ये लग रहा है कि आज हिंदू रेडिकलाइज हो रहा है और वो ज्यादा बड़ा खतरा है। और शहजाद पूनावाला दिखा रहे हैं हमें शिवम शुक्ला की तस्वीर, जिनके लिए भी अभी विवेक जी ने कहा कि ये भी रेडिकलाइज था। बस 30 सेकंड लूंगा। ये शिवम शुक्ला जो आईसीयू में है वो रेडिकलाइज है, पर बुरहान वानी हेडमास्टर का टीचर बेटा है, रियाज नायकू मैच टीचर है, अफजल गुरु जो है जुडिशियल एग्जीक्यूशन हुई, और याकूब मेमन जिसके लिए पैरवी ओवैसी से आप कर रहे थे वो हालात का मारा है। इनका बुलडोजर सांप्रदायिक नहीं है, इनका जो देखने का चश्मा है ना ये दरअसल सांप्रदायिक है। इसमें केवल हरा भरा विवेक जी, मैं 10 सेकंड में रिबर्ट कर देता हूँ। सिर्फ शिवम एक बच्चा है, उसको चोट लगी, बहुत दुखद है, हमारी संवेदना, सौरभ जी आपने ठीक बोला, हमें सम्मान करना चाहिए और हमारी संवेदना उसके साथ, उसके परिवार के साथ है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा, जहांगीरपुरी का प्रोसेशन आप देखिए, अगर आप क्लोजअप में उसके फुटेज को देखेंगे, इतने बच्चे नाबालिग टीनेजर थे, जय श्री राम जय हनुमान नारे लगा रहे हैं, किसी ने तलवार किसी ने कुछ, तो ये छोटे बच्चों को लेकर के रेडिकलाइज करना ये गलत है। ये जो भी हिंदूवादी संगठन है और चाहे वो किसी भी धर्म के संगठन हो, यू कांट टेक द टीनेजर्स और उसको आप अपना याकूब को कन्विक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बचाव में आना ओवैसी साहब करते हैं, वो क्या करना है फिर? हम वो रेडिकलाइज करना नहीं है। जब ताहिर हुसैन को, एक सेकंड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ताहिर हुसैन को जब यूएपीए लगा उसके छत से क्या क्या नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ने बरामद किया, अमानतुल्लाह खान का बयान है कि वो मुस्लिम है इसलिए उस पर कार्रवाई हुई, ये रेडिकलाइजेशन है या नहीं? मेरी बात सुनिए साहब, अब मेरी बात सुनिए साहब, आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ आप कोई जवाब बोलेगा तो पहली चीज हो जाएगा। पहली चीज ताहिर हुसैन मासूम है? नहीं नहीं नहीं, मासूम मैं बता रहा हूं आपको, ताहिर हुसैन किस तरीके से आप लोगों ने सब फंसाया है, मैं बता रहा हूं। जी हाँ, मैं ताहिर हुसैन को भी बता रहा हूँ, जरा वो वीडियो बता देना, बताइए जरा, बताइए बताइए। देखिए ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत होता है, ये बाकायदा एक यात्रा के बहाने से उस मुस्लिम इलाकों से ही अपनी यात्रा निकालते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते ये, ये क्या तर्क है? मैं बिल्कुल निकाल सकते हैं, इनकी छतों पर तैयारी कैसे होती है? नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं, छतों पर तेजाब कैसे होते हैं मासूम लोग? वहां पे हथियार ले जाने की, पिस्टल ले जाने की, शॉटगन ले जाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, कौन से कानून के तहत? अच्छा ये तो अच्छा ठीक है, कलीम साहब चलिए इस पर बहस करते हैं। आपने कहा कि ये हथियार लेकर जाते हैं अपने साथ और किसने लेकर जाते हैं? लेकर जाते हैं, तमंचे लेकर जाते हैं, ये रेडिकलाइज है, बिल्कुल रेडिकलाइज। ठीक है, तो वो जो घरों पर पहले से ही ये जानते हुए कि यहां से यात्रा निकलेगी पत्थर रख लिया, पेट्रोल बम बनाने का सामान घर पे पत्थर रखता है ना, पेट्रोल ये सब पुलिस स्टोरी करती है बाद में ये पुलिस का काम है कि वो सिलेक्टिवली छाट छाट के मुस्लिम्स को अरेस्ट करती है और बेल अभी तक नहीं हुई है। कैसे बेल होगी? कोर्ट ने बेल दी है तो कोर्ट भी सांप्रदायिक है जी, आप कोर्ट भी सांप्रदायिक, कोर्ट सांप्रदायिक नहीं है। आप ताहिर हुसैन की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट की क्योंकि अभी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है, अभी 5 लड़कों पे एनएसए लगा दिया पुलिस ने, किस वजह से लगा दिया? अभी किसी गैर मुस्लिम पे तो एनएसए नहीं लगाया, एनएसए का मतलब यह है कि 1 साल तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, कोई पुलिस उनको वजह भी नहीं बताएगी। सेम चीज मुझे भी निजी तौर पर ये लगता है कि कार्रवाई जो है ऐसी दिखनी चाहिए कि निष्पक्ष है, ठीक, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे तो उस पर भी एतराज है जी। अगर पुलिस सिलेक्टिव कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल उस पर एतराज होगा। अगर पुलिस ही इसको जब परमिशन नहीं थी जुलूस की और जुलूस नहीं निकलने देती और वहीं रोक देती है तो आज के साथ कांड नहीं होता। मात्र वो ना पत्थर चलते ना उसके बाद ये बुलडोजर चलता, इस देश में मुस्लिम मोहल्ले में 15 साल का बच्चा अगर जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और जय हनुमान के नारे लगाता है तो इनके हिसाब से वो रेडिकलाइज्ड है। तलवार लेके चुप रहिए जरा, तलवार लेके रिक्वेस्ट प्लीज, आप क्या है मतलब इनके लिए वो रेडिकलाइज्ड है? तलवार लेकर जाने वाला बच्चा जिसका मैं समर्थन नहीं करता या पूरा हिंदू समाज समर्थन नहीं करता वो इनके लिए रेडिकलाइज्ड है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इनका? लेकिन ऊपर बैठी हुई महिला चौथे फ्लोर से जो पत्थर मार रही है, जिसने पुलिस पर गोली चलाई, जिन्होंने लोगों को सब कुछ किया और खूब हंगामा किया, वो रेडिकलाइज नहीं है इनके लिए? हिपोक्रेसी, फियर फैक्टर, एक वीडियो दिखाइए, कौन सा फियर फैक्टर? लोगों को मार रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो, हिंदुओं को घेर कर मार रहे हो, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हो और फियर फैक्टर, क्या पागलपन है भाई? कौन सा कहां भगवान बताइए, कहां है भगवान? भगवान दिखाइए कहां, नहीं नहीं भगवान दिखाइए कहां, भगवान दिखाइए कहां लहराया है, कहां दिखाइए दिखाइए, अरे कहां है? वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कहां, सुनिए वीडियो दिखाइए कहां, दिस इज द प्रॉब्लम, झूठे हैं
प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ड्रामा करते हैं, कोई नहीं गई है, कोई नहीं मस्जिदों पर दिल्ली सीपी का बयान निकालिए, दिल्ली कमिश्नर का बयान निकालिए, उन्होंने कहा कोई झंडा नहीं लगाया गया, कोई गाली नहीं दी गई, कोई गाली नहीं दी गई, मतलब पत्थर मारते हुए का वीडियो है। और नहीं, और अच्छा अब लेट मी स्पीक, इतनी देर से बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, सुनिए, कोई डराना नहीं है, कोई डराते होते ना, डराते होते तो हिंदू गोली चला रहे होते, डराते होते तो हिंदू पत्थर मार रहे होते, ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर न्यू अशोकनगर में एक मस्जिद है, दिखाइए, देखो जाके गूगल पे, प्लीज यहां दिखाइए ना, नहीं आप दिखाइए ना, मैं बता रहा हूं, आर्गुमेंट बैक कीजिए, आप बोलिए, ज्ञान भी है, प्रॉब्लम ये न्यू अशोकनगर की मस्जिद, दर्शक जाएं गूगल पे और चेक करें, मस्जिद को तोड़ा गया, उसके ऊपर लड़के चढ़े, उसके ऊपर भगवा लहराया, कब की बात है ये, साल दो साल पहले की बात होगी, सुनते रहिए बाबा, ऐसी अरे सुनिए, निकलवा लीजिए ना, ऊपर में नमाज परमिशन के बाद भी रोकी जाती है, कपिल मिश्रा पहुंच करके हनुमान चालीसा वहीं पढ़ेंगे, उसी दिन पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ाओ, आगे कॉन्फ्रंटेशन होगा, वोट पोलराइज होगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा, अगर आप एक झुंड बना करके नाबालिग बच्चों के साथ तलवारें बंदूक भाले डंडे लेकर के जाएंगे और गंदी गंदी बातें करेंगे, पुलिस परमिशन है नहीं आपके पास, तो सामने वाला गोली मार देगा, है नहीं तो सामने वाले गोली मारेंगे, पुलिस को फोन नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आज के दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, ये सवाल हम बार बार पूछते हैं कि 8 साल पहले तक क्या मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित था, कोई दंगा नहीं होता था, कोई फसाद नहीं होता था, कहीं बम नहीं फटता था, 8 साल पहले भी दंगे होते थे लेकिन कुछ शर्म बाकी थी, ये तो बिल्कुल बेशर्मी पे गुंडे, ऐसा नहीं कहता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टेट में बुलडोजर भेज दिया हो, जहां पे दंगा हुआ हो वहां पे सरकार ने बुलडोजर भेज दिया हो उठाने के लिए, याकूब मेमन हालात का मारा है, उसकी जो कन्विक्शन हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मुसलमान है, इससे देश की छवि नहीं बिगड़ती है, इससे देश की छवि नहीं बिगड़ती है कि अफजल गुरु की जो एग्जीक्यूशन होती है कोर्ट के द्वारा, उसके लिए कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और फिर ये संविधान संविधान कहते हैं, फिर ये संविधान संविधान कहते हैं, अरे उसको लेने वाले जो नारे लगाने वाले थे उनको तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ले लिया, और आप कांग्रेस के हमशक्ल, और ये भी कांग्रेस के हमशक्ल, और 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ और मैंने 10 दंगे गिनवाए, उसके साथ जिन्होंने वो दंगे करवाए उनके साथ करवा करके देश के अंदर, आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनल आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप फिर से खालिस्तान अतिक्रमण मत हटाओ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला जी की पार्टी अगर कम्युनल है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक सेकंड के लिए है, और इनको हिंदुओं की पार्टी भी कहा जाता है, आप मुझे एक चीज बताइए, जिस गुप्ता या बाकी जो हिंदुओं के घर गिराए गए उसके लिए शहजाद पूनावाला वहां जाकर बैठे क्या, कि इसका तो गलत गिरा दिया, इसको तो बर्बाद किया जा रहा है, इसको तो परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ, सारे विपक्षी जिन मुसलमानों के घर गिरे या फिर दुकानें गिरी, घर तो गिरी नहीं, उनके साथ जाकर खड़े हो गए, एजेंडा बहुत क्लियर है, पार्टी ने या फिर जिसने भी उस पर कार्रवाई की, एमसीडी ने जो कार्रवाई की वो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड की, लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तो जाहिर है, बिल्कुल नहीं, देश में दंगे का माहौल विपक्ष खड़ा करना चाहता है, क्योंकि इनको मुस्लिम दिखाई देते हैं, अगर बीजेपी को हिंदू दिखाई देते तो आज सारे हिंदू संगठन जहांगीरपुरी में होता और वो ये कहते हैं गुप्ता जी की दुकान क्यों गिरा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, एक सेकंड, ये कुछ नई बात कर रहे हैं, देखिए जब ये कल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई तो मस्जिद के का हिस्सा तो तोड़ दिया गया, और उसके ठीक बराबर में मंदिर है, उसके आगे का हिस्सा भी तोड़ा गया, वो उसकी जिम्मेदारी है, नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वृंदा करा तो करा पे पहुंची वहां पे, आप पूछिए इनसे, कौन कह रहा है, आप पूछ लीजिए, ये तो नहीं नहीं सर, करीम साहब देखिए ये फैक्ट है, वो कल तो पूरा दिन लाइव रिपोर्टिंग हुई है वहां से, जी हां जी, तो आप उसमें आप देखें वो बुलडोजर मंदिर के सामने खड़ा हो गया जाकर के, लेकिन नहीं तोड़ा उन्होंने, वो वृंदा करात और दूसरा फैक्ट ये कि वो बाहर की जाली और एंक्रोचमेंट मंदिर का वहां के लोगों ने खुद ही कल उतार दिया, अभी भी है, लेकिन तीसरा फैक्ट ये, इनको कितना भी बताते रहिए नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हुई है, ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल वो मान ही नहीं रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।